do intros like this, but I'm currently descending hundreds of feet into a cave that runs over 5 kilometers deep into the earth. And whether we like it or not, as soon as my... I have built the most deadly obstacle course in the world. And my friend Mac here is attempting to complete it without falling 200 feet to the ground. Whenever you're ready, Mac. First jump, he's about to do it! हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के नंबर वन यूट्यूबर के बारे में। जी हाँ, जिनका नाम है मिस्टर बेस्ट, जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर तहलका मचा रखा। भाई साहब जी पूरी आग लगा रखी है, अगर बोला जाए तो। भाई अगर उनकी आप सब्सक्राइब की बात करते हैं तो उनके सब्सक्राइबर 300 मिलियन। ओह माय गॉड, एक फिर सोच कर देखो कि 300 मिलियन में कितनी जीरो लगती है। ठीक है, अगर आपको वैसे काउंट किया जाए कि 31 करोड़ 30 करोड़ से भी ज़्यादा उनकी सब्सक्राइब है, भाई थोड़ा सोच कर देखो जिनके सब्सक्राइब इतने ज़्यादा होंगे तो भाई क्या तरक्की होगी उनकी। यार मैं तो कसम से सोच के पागल, जब उनके 300 मिलियन सब्सक्राइब पूरे हुए थे तो उनको यूट्यूब ने भेजा टाइगर प्ले बटन। यार टाइगर प्ले बटन जब मैंने देखा ना उनका, मैं कसम से मेरे होश उड़ गए। मैं सो रहा हूँ यार, इंडिया में कब आएगा ये भाई? अभी तक इंडिया में तो किसी के पास भी नहीं है टाइगर प्ले बटन। भाई साहब टाइगर प्ले बटन देख लो कैसा कैसा होता है, कितना बेस्ट लगता है देखने में। इसकी चमक देखो, कितनी बेस्ट चमक है इसकी। मेरे तो होश उड़ गए भाई साहब जी, मैं तो कसम से इनकी जीरो काउंट करते करते ही बिल्कुल परेशान हो गया। और अगर इनके व्यूज की बात करी जाए, व्यूज मेरे भाई एक एक वीडियो को अगर देखा जाए तो 9 करोड़। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है भाई, 11 करोड़ 18 करोड़। यार एक चीज सोच कर देखो, जिस बंदे की एक वीडियो को 9 करोड़ 12 करोड़ 18 करोड़ अगर व्यूज आ रहे तो उनकी इनकम कितनी होगी। भाई साहब जी हम तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। लोग बोलते हैं ना कि यूट्यूब में क्या रखा है, भाई यूट्यूब में बहुत कुछ रखा है। आप देखते होंगे हमारे जितने भी इंडिया के यूट्यूबर्स हैं, वो खुद बताते हैं कि भैया मतलब अगर 1 लाख पे किसी को मतलब 20,000 मिलता है, किसी को 30,000 मिलता है, किसी को 1 लाख पे 1 लाख व्यूज पे 1 लाख रुपए भी मिल जाते हैं। तो यार इनका सोच के देखो, जिनका 18 करोड़ व्यूज, 24 करोड़ व्यूज, 28 करोड़, 42 करोड़ व्यूज, भाई साहब जी मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। अगर इनकी एक महीने की भी इनकम देखी जाए तो मेरे भाई कम से कम नहीं तो भाई साहब 30 से 40 करोड़ प्लस में इनकी इनकम जा रही होगी। अगर एक तरीके से कंडीशन देखी जाए तो भाई साहब जी इनकी इनकम का तो कोई अंदाजा लगा ही नहीं जा सकता। ठीक है, अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे कि यार ये तो मतलब पैसे वाले आदमी है, इन्होंने तो यूट्यूब को बढ़ गए, हम कैसे बढ़ सकते। तो भाई साहब जी हमारी इंडिया की सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि वो चीज़ों को ना निगेटिविटी की तरीके सोचते, पॉजिटिव की तरह सोचते ही नहीं है। भाई अगर देखा जाए ना, ये जो मिस्टर बेस्ट जी है, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ही है। जब इनकी एज 13 साल की थी, जिस टाइम इन्होंने अपने यूट्यूब में मतलब अपना काम करना स्टार्ट किया, तो भाई साहब जो उस टाइम में इनके पास एक फ़ोन तो था, जो फ़ोन आपके पास में है ना वही फ़ोन इनके पास में भी था। ठीक है, बट उनके पास में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना माइक खरीद सके, माइक खरीदने के भी पैसे नहीं थे। तो यार तुम थोड़ा सोच के देखो कि इस बंदे ने किस कंडीशन से निकल करके और कहाँ पहुँचा। ठीक है, और इस बंदे के अगर देखा जाए ना भाई, इस बंदे ने कम से कम 5 साल वेस्ट किए अपने, 5 साल तक इनके पास कोई तरक्की भी नहीं थी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, और आप लोग क्या करते हो, 2 महीना काम किया, 5 महीना काम किया, साल काम कर लिया, 1 साल के बाद बिल्कुल थक जाता है बंदा, बोलता है यूट्यूब पर कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं रखा यूट्यूब के ऊपर। भाई साहब ये दुनिया में नंबर वन की पोस्ट पे है यूट्यूब में के अंदर मिस्टर बेस्ट जी। अगर ये अपने 5 साल बिरान करके भी अगर बैठ जाते तो क्या आज नंबर वन को होते? क्या इनके पास आज 300 मिलियन सब्सक्राइब की फैमिली होती, 31 करोड़ सब्सक्राइब होते इनके पास, आज करोड़ों के व्यूज की बारिश हो रही इनके पास में, क्या वो होते? कभी नहीं होते भाई। लेकिन इन्हें अपने पर भरोसा था, विश्वास था, हाँ भाई मैं एक ना एक दिन आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने अपना रेगुलर काम किया। 5 साल के बाद जब इन्होंने भाई साहब जी अपने वीडियो गेमिंग की वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया, तो भाई साहब जी वहाँ से इनकी रात की अगर देखा जाए तो एक एक मिनट से इन्होंने एक एक रात में निकाले। आप खुद सोच सकते हैं कि यार इतने व्यूज इतने सब्सक्राइब्स अगर नेट रातों रात निकाल रहे तो और आगे क्या होगा, कितना कुछ होने वाला है।
पांच साल के बाद भी इनको कोई सक्सेस नहीं मिली। पांच साल के बाद जब इनको सक्सेस मिलनी स्टार्ट करी तो इन्होंने सोचा मेरे को और आगे बढ़ना है। तो फिर इन्होंने क्या सोचा भैया, इन्होंने विस्की डिस्की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। भाई साहब जब इन्होंने डिस्की वीडियो आप देख रहे हो ना, मैंने कहा इतनी बेस्ट है कि आदमी है ना भाई साहब जी, सपने में खो जाता है, ठीक है, डर लगने लगता है कि हाँ कुछ देखे। मतलब जब ऐसी वीडियो निकलती है ना, लोग पता क्या करते, लोग बाग ना ऐसी वीडियो का वेट करते हैं कि यार कब मिस्टर बीएसटी जी की वीडियो अपलोड होगी और कब हम उनको देखेंगे, ठीक है। इतने खतरनाक स्टम्प से दिखा रहे लोग, इतने खतरनाक स्टम्प मतलब यूज कर रहे, तो भैया इनकी तो वीडियो आगे बढ़नी थी। इन्होंने कुछ नया अंदाज में अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तभी तो इन तरक्की के ऊपर खड़े। और इनकी अगर तुम वीडियो की बात करते ना, जो चैलेंज वीडियो है वो चैलेंज वीडियो तो भाई साहब जी इनकी इतनी खतरनाक वीडियो है, मैं कह रहा हूँ कि जो ऐसा लग रहा है जैसे इनकी वीडियो देख करके यार हम जैसे किसी सपने में खो रहे हो, है ना, या किसी स्वर्ग में घूम रहे हो। मतलब ऐसी जगह पे भी हमने देखी नहीं है यार, जैसे मतलब हॉलीवुड फिल्मों के अंदर शायद ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो चीज़ें ये अपनी वीडियो के अंदर दिखाते हैं, चैलेंज वीडियो के अंदर दिखा देते हैं, ठीक है। और आप देखते भी होंगे कि हॉलीवुड जो मूवी है वो भाई साहब सबसे टॉप ऑफ टॉप में चलती है, तो यार जब हॉलीवुड मूवी चल सकती थे, ये कौन सा हॉलीवुड से कम की वीडियो थोड़े ना अपलोड कर रहे। तो भैया इनको तो आगे बढ़ना ही था, बट इन्होंने इसी ऐसे ऐसी वीडियो बनाई है, लोगों तक पहुँचाई है, तो लोगों का प्यार इन्हें मिला, प्यार मिला तो भैया यार तो बढ़े, ठीक है। तो भाई साहब 300 मिलियंस मेरे को नहीं पता इंडिया में कौन कब कर पाएगा, मेरे को तो नामुमकिन लग रहा है कि कोई बंदा होगा भी जो 300 मिलियंस के आसपास तक तो पहुंच जाएगा, जैसे आज मिस्टर बीस्ट जी बैठे हैं। तो भैया घर में मत बैठो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूट्यूब के अंदर कुछ नहीं है, पैसे नहीं, मेरा भाई कह रहा हूँ इतना अंधा पैसा है ना, इतना अंधा पैसा आप कभी कहीं जिंदगी के अंदर कमा ही नहीं सकते। अगर बनना है तो मिस्टर बेस्ट जैसा बोलो, छोटी मोटी चीज़ों में क्या रखा है, 10,000 के 18,000 रुपये की नौकरी कर लो, 20-30,000 रुपये की नौकरी कर लो, कुछ भी नहीं रखा है भाई साहब जी। इतना इससे करोड़ों रुपये तो इनका एक एक वीडियो में आ रहा है, इतना पैसा कमा रहे हैं लोग, तो कुछ सोचना इस चीज़ के फालतू में लेकर के। तो भाई इन चीज़ों के पीछे मत भागो, जैसे हमारे इंडिया के अंदर कुछ लोग अपनी दुकान चला रहे हैं ना कि ये सेटिंग कर लो व्यूज बढ़ जाएंगे, ये सेटिंग कर लो व्यूज बढ़ जाएंगे। भाई सेटिंग कोई होती नहीं है यूट्यूब के ऊपर, समझ रहे, यूट्यूब की कोई सेटिंग होती नहीं जो व्यूज बढ़ा कर दे सके, जो आपको सब्सक्राइब बढ़ा कर दे सके, ऐसी कोई सेटिंग आई नहीं। सिर्फ एक सेटिंग है जो उस टाइम हम चैनल बनाते, चैनल हमने बना दिया, चैनल बना के छोड़ दिया, ठीक है। उस चैनल पर सिर्फ हमें अपने वीडियो अपलोड करनी है, अपनी पब्लिसिटी बढ़नी करनी, ताकि हमारी वीडियो लोगों तक पहुँचे, लोग हमारी वीडियो को देख करके हमारी वीडियो को पसंद करें और हमारी वीडियो को वेट करें कि कब इनकी वीडियो आए, कब हम इनकी वीडियो को देखें, तब जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आगे नहीं बढ़ सकते। सेटिंग वेटिंग को छोड़ दीजिए, कुछ लोग आपका बेवकूफ़ बना रहे, रात दिन वीडियो अपलोड कर रहे, ठीक है, व्यूज उनके बढ़ रहे, ठीक है, उनकी दुकानें चल रही है और आप बेवकूफ़ बन रहे, तो बेवकूफ़ मत बनो भाई, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, कुछ ऐसी चीज़ें करके दिखाओ ताकि लोगों को अच्छी लगे, तो फिर देखना आप एक साल के अंदर कहाँ तक पहुँचते, लाख में आप करोड़ भी कमा सकते हो साहब जी। बस ये मेरा आज एक मिस्टर बेस्ट की वीडियो बनाकर दिखाने का सिर्फ यही मेरा एक वो था कि ताकि आप लोगों के अंदर का जो डर है ना वो निकल सके, क्योंकि जब 13 साल का बच्चा भाई साहब जी दुनिया का नंबर वन यूट्यूबर बन सकता, तो आप भी बन सकते, आप अगला चांस आपका है, आप मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों इस वीडियो को कहीं पर एंड कर दें, वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी है दोस्तों। और हाँ, 300 मिनट्स में कितनी जीरो लगती है भाई मुझे नहीं पता, आप जरूर कमेंट्स में बता दें। अगर आप मेरे चैनल को नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर जाना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।